भाई सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप लोग सब कैसे हो? सलाम नमस्ते प्यार पर सत श्री अकाल और सब आप लोग कैसे हो यार? हम दोनों अच्छे हैं, थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। चलो। अरे यार इतने अभी मंथ एंडिंग है ना, आज 30 तारीख है, 30 नवंबर, सो मंथ एंडिंग है तो काम का प्रेशर हो जाता है, सबके साथ ऐसा होता है, हमारे नहीं तो फिर हमें टाइम नहीं मिलता। जब काम का लोड होता है ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता, बहुत कोशिश करते, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं बट नहीं हो पाता, सो फिर हम ऐसी फिर हम इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों को वो प्रैंक वीडियो पसंद आया था, थैंक यू सो मच, लव यू लॉट्स ऑफ लव टू द पीपल जिनको ये जिन्होंने ये प्रैंक वीडियो अप्रिशिएट किया एंड इतना प्यार दिया। मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ एंड मैंने पहले सबसे पहले तो लवी को, बाद में जब लास्ट में मैंने सब वीडियो वगैरह देखा, जब एडिटिंग वगैरह हुआ, ब्लॉग वगैरह पूरा देखा मैंने, तो मुझे बहुत मैंने इसको अप्रिशिएट बहुत किया कि उस टाइम तो इतना मैं मेरा मूड ऑफ शुरू से सुबह से था, फिर शाम को इसने किया मेरा मूड ऑफ, फिर मेरा पूरा मूड ऑफ था, फिर घर पे आके मूड ऑफ था, तो इसने मतलब जो प्रैंक वीडियो था बहुत फनी भी था और थोड़ा सा मैं हाँ ऑब्वियसली हर्ट तो हो गई, और जो हमारे प्यार करने वाले उनको भी ये फीलिंग हुआ होगा कि आप लोग ऐसे मत प्रैंक करो, आप लोग सदवा ले गए तो यही मुझे बोले जा रहे थे प्रैंक करा तो मेरे को बोलने लग गया ऐसा मैं फिर कैसा करूं ये ऐसा ही। अरे इनको तो बोलने तो जो बोलना है उनका, देखो जिन्होंने इतने अप्रिशिएट किया, माई गॉड मैं आई जस्ट लव्ड इट एंड थैंक्स लवी कि तूने एक कदम तो उठाया, चल मेरा दिल टूटा सही, लेकिन तूने जो कदम उठाया एक प्रैंक करने के लिए, सबको एंटरटेन करने के लिए, मैंने तो पहले से इसको अप्रिशिएट किया था एंड आई रियली लव्ड इट, वो तुझे मैंने बता चुकी हूँ मैं कि बहुत अच्छा लगा कि चलो इसने प्रैंक शुरुआत तो की तो। और हाँ सबका सवाल था कि स्क्रिप्टेड था, मैंने वीडियो वगैरह देखा था तो हाँ ऑब्वियसली इसने स्क्रिप्ट लिखा तो स्क्रिप्टेड था ही, बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि लवी का एक्टिंग बहुत अच्छा था, इवन आई अप्रिशिएटेड, मैंने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि इसने अपनी हंसी किस तरह से कंट्रोल की, मतलब मैं बीच बीच में हंस रहा था, हाँ, जाती थी, चली जाती थी। वो मैंने देखा व्लॉग में बट द वे यू नो कंट्रोल्ड, अगर मैं किसी के साथ मजाक करूँ तो मजाक ही होगा, तो इसने बहुत आप लोगों को अप्रिशिएट आप लोगों ने किया लवी का एक्टिंग, तो थैंक यू सो मच। और हाँ अगर रहा लोग कह रहे कि मैंने रिएक्शन नहीं दिया, मतलब मैंने एक्टिंग नहीं किया, तो अगर मुझे पता होता कि ये प्रैंक वीडियो रिकॉर्ड होता तो आई वुड गिव माय 100% इन इट, मैं थोड़ा सा और जोशीले में एक्टिंग करती हूँ, उसमें मजा नहीं आता, मेरी आज मैंने चूड़ियां क्यों नहीं पहनी, वो कौन सा मूवी में हंगामा, आज मैंने चूड़ियां क्यों नहीं पहनी, मैं इस तरह से एक्टिंग करती अगर मुझे पता होता कि ये प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, तो सॉरी अगर मैंने मेरे तरफ से बहुत ही ठंडा एक्टिंग था, तो आई थिंक सो रियल ऐसा ही होता है, रियल ऐसा नहीं होता जैसे सबको लगता है, ठीक है, और वैसे भी इट इज ओके, बट हमारे जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया उनके लिए तो पूछो ही मत, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, इतना प्यार दिया और लवी को के लिए भी इतना अच्छा बोला, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल, यार शुक्रिया आप सबका है ना, एंड शुक्रिया जिन्होंने फैन पेजेस खोले जैन लवी का, मतलब वो पूरा हमारे वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और अपने अकाउंटों में जो इन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं जैन लवी फैन पेज, इनमें इन्होंने हमारे वीडियोस डाले हैं, इतने इतने प्यार मोहब्बत वाले गाने डाले, थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर बोथ साइड। हाँ यार दिल से थैंक यू उनके लिए जिन्होंने सच्ची में फैन पेज बनाया है, वही बात आ जाती है कि मतलब मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होता है कि फैन पेज भी बनेंगे, लेकिन बहुत मतलब सच्ची में चलो फैन पेज तो बनाया उनके लिए तो दिल से थैंक्स, लेकिन जो सच्ची में हमारे वीडियोस भी देखते हैं हमें पसंद करते हैं उनको भी दिल से थैंक्स, और तो मैं क्या ही बोलूँ यार, बस आज थोड़ा सा चाइना की न्यूज़ सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो रखा है, तो कुछ नहीं डर लग रहा है, लॉकडाउन याद आ जाता है, और तो सही है लॉकडाउन जो गया हमारा 2020 में, दैट वाज द वर्स्ट नाइटमेयर, सबका ही नाइटमेयर, बहुत बुरा था, तो चाइना का वो बीमारी सब फैल रहा है एंड बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है, और रहे मुंबई में जो फ्लैट्स में रहते हैं और लॉकडाउन उनके लिए बहुत ज्यादा ही पेनफुल है, सो स्ट्रेसफुल, सिर्फ वो ही समझ सकते हैं जो फ्लैटों में रह रहे होते हैं खासकर लॉकडाउन के दौरान, सो वो जो सब्जियां का मारा मारी हो रहा था जस्ट फॉर फूड,
जस्ट फॉर फूड. एनिमल्स आर लाइक दे वर नॉट गेटिंग फूड, नथिंग, एंड बहुत बुरा था. सो वो चीजें फ्लैशबैक में हम लोग जा रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी अपसेटिंग. चलो छोड़ो ये बात, चलो तुम्हें घुमा ही देता हूँ, कोई और ही बात नहीं कर देता. और हाँ, जो लोग आप लोग हमें इतना अप्रिशिएट करते हो, हम आपको रिटर्न गिफ्ट में क्या दे समझ ही नहीं आता. जो भी लोग हमें मांगते रहते हैं, वो तो हम तो व्लॉग्स का देखो, हमने पहले भी बोला हम बहुत कोशिश करते हैं व्लॉग्स डालने की, सच्ची में जेन्युइनली व्लॉग्स. यार ये फ्री होती है, मैं फ्री नहीं होता, मैं फ्री होता. लेकिन ये बात है, जब हम व्लॉग्स कंटिन्यूअसली डालते फिर कोई देखता नहीं है यार, फिर कोई देखता नहीं है. चलो कोई बात नहीं, बट थैंक यू सो मच जो लोग हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतने प्यार वाले भरे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच. दिल से आई लव यू. और हाँ, एक बात और बोलना चाहते, वो बता दे इंस्टाग्राम हमारा हैक हो गया था. हाँ बता दो. हाँ यार, हमारे दोनों जो इंस्टाग्राम वाले अकाउंट्स थे, एक जैन लवी अपडेट्स और दूसरा जैन लवी अप अस, वो दोनों अकाउंट कल की बात है, मतलब इट विल बी 29th of November. मैं ऑनलाइन थी उस टाइम, और कुछ कमेंट्स थे हमारे वीडियो पे. एक्चुअली वो जो हेटर वाला वीडियो डाला था, वो ऐसे वाला, मैं नाम नहीं लूंगी, ऐसे वाला हमने वो रील डाला था. तो सबने ऐसा किया जरूरी, हमने सबने किया था, बट उसके बाद ना आई थिंक वो कोई सीरियसली ही ले गया, दिल पे ले गया बॉस. शाम का टाइम था, मैं इंस्टाग्राम पे थी, ये पता नहीं क्या कर रहा था, ये फाइल्स वगैरह रख रहा था इन प्लेस. मैं तो बिजी था, मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी, तो ऑटोमेटिकली ना मुझे कुछ अजीब सा लगा. तो मैंने देखा कि जितने भी हमारे फैन पेजेस थे वो एक एक करके ब्लॉक हो रहे थे. मैंने लवी को बताया, तो लवी ने बोला कि अरे इसने तो लेसी, अरे मैं होऊंगा, मैंने कर दिया होगा गलती से. मैंने इसने फिर भी मुझे थोड़ा सा काम डाउन किया, अरे तू टेंशन मत ले. मेरे को रास नहीं आया. मैंने जैन लवी अपडेट्स पे गई, मैंने वहां पे भी देखा, वहां पे भी एक एक करके फैन पेजेस ब्लॉक हो रहे हैं. तब फिर मैंने लॉग आउट नहीं किया, हमारे दूसरे फोन से पासवर्ड डालने की कोशिश की थी, वही अकाउंट्स की जो हमारे पास है, दोनों अकाउंट्स हम पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहे थे, तो इट वॉज इनकरेक्ट पासवर्ड. सो वो पासवर्ड भी चेंज कर चुका था. मैंने सब कुछ किया, कितने काफी लोगों से मैंने चैट भी की थी इस बारे में. सो एवरीबॉडी वाज लाइक, सबको, कुछ लोगों को शायद लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची में हैक हुआ था यार. फिर कैसे ना कैसे दिस लास्टेड अप टू 1 o'clock इन द नाइट, और फिर हमने रिकवर किया, पासवर्ड चेंज किया. मैंने नहीं किया, इसने किया. हैकर तो हैकर होते हैं, अब क्या पता नहीं क्यों क्या तकलीफ हो गई किसी को. मैं तो इसी बात के लिए मैं इससे बात करे जा रहा था. मैं क्या, अरे हम कौन सा इतने बड़े वो क्या है जो हमारा हैक कर रहे हैं, तो अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ इस चीज में. हम तो कुछ भी नहीं यार, किसी का आज तक हमने किसी को जो हमें कमेंट्स में बोलता हम उनका ही रिप्लाई दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी के दुश्मन हो गए या किसी के हम पीछे पड़ गए. आई डोंट नो, मतलब हाँ होता, और जिनको हम नहीं जानते वो हमें जानते होंगे, जिनको हम जानते वो शायद हमें नहीं जानते होंगे, ऐसा हो सकता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई दुश्मनी तुम लोग इस तरह से निकालोगे, हैक करवा दोगे या हैक कर कुछ भी करोगे. पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया ये सब क्या, मतलब सही बात. आई कांट बिलीव इट यार, कि इतना हेट करने लग गए हैं या इतना दुश्मन खड़े हो गए हैं. मैंने इसको पहले ही बोला, हम इन चीजों को बहुत लाइट लेते हैं यार, मतलब इतना नहीं, गहराई में सोचने वाले नहीं है हम, कि गहराई में सोचेंगे वो, नो. लेकिन पता नहीं भाई, आई डोंट नो, उसको कुछ ज्यादा मिस्सी लगी होगी, पता नहीं भाई. कर्मा तेरे आगे आ जाएगा जो भी है तू, ठीक है ना. हम अपनी मेहनत कर रहे हैं यार, तू दुनिया में किसी कोई भी करता, हर कोई अपना इंस्टाग्राम पे मेहनत कर रहा है, यूट्यूब पे अपनी मेहनत कर रहा है, क्यों तू किसी को घर में बैठे हुए तू किसी को परेशान कर रहा है. तुझे कितनी, चाहे तेरी की वही शक्ल ना देखे, चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन बद्दुआ तो लगेगी ना भाई यार. कर्मा से डरना चाहिए भाई, दुनिया समझती कर्मा, तो कर्मा जब पड़ता है ना, तो भगवान की एक बात बोलता हूँ, भगवान की लाठी में ना आवाज नहीं होती भाई, जब पड़ती है ना तो उसकी आवाज नहीं होती. वैसे भी आजकल तो बहुत पापी दुनिया है, ये बस सही है. ये जो हैकर्स होते हैं, जिस कितने सारे अकाउंट को ये हैक करते हैं ना, अगर आप लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो जो भगवान है ना, वो आप लोगों का जो आपको सजा देगा आप सोच भी नहीं सकते.
आप सोच भी नहीं सकते आप लोगों को क्या सजा मिलेगी अगर आप किसी का भी मेहनत पे इस तरह से करो। और यार वैसे भी हम तो एंजॉय करते हैं, हम दुनिया करती है भाई, कौन है तू, कौन किसी ने तुझे कहा होगा कि हमारे 25,000 अपने खुद किस्मत से चलो ना, हम अपनी किस्मत से चल रहे हैं तो अपनी किस्मत से चलो। ठीक है, जो भी तूने हरकत की है अच्छी नहीं की है, जो भी है तू, मैं क्या ही बोलूं भाई, बस ठीक है, तेरा इंसाफ तो भगवान ही करेगा। चलो अभी तो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है गाइस, हमने सब कुछ ठीक कर लिया, जे ने सब कुछ ठीक कर लिया। कहते ना बेईमानी से बेईमानी भरी पड़ी है, अच्छाई से अच्छाई भी भरी पड़ी है, और बेईमानी तो अनगिनत ही भरी पड़ी है। तो इस चीज को हम छोड़ ही देते, हम करते हैं अपने बारे में बात। चलो टॉपिक चेंज। हाँ गाइस, और तुम, मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मैंने इसको उस दिन सच्ची में हर्ट कर दिया था भाई। मैं तुम लोगों को बोल भी रहा था मेरे से नहीं हो पा रहा, मैंने ना सच्ची में, मैंने कभी नहीं इतना बुरा मैंने कभी नहीं किया इसके साथ। मुझे पता था, मेरे आत्मा को पता था, मेरे को पता था कि मैं इसके साथ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से ना इतनी गिल्टी फील हो रही थी ना, मैं तो बहुत पहले ही बंद करने वाला था, लेकिन फिर मैंने कहा यार मजाक करा हो जाएगा, इतनी मेहनत कर रहा था अभी तू, फिर मैंने कहा रुक जाता हूँ यार, प्यार भी मैं इससे बहुत करती हूँ। मैं नहीं तो मैं सोच सकती हूँ, जिस दिन वो मेरा सपने में आया ना तेरा, इसका जब भी कभी कभार इसका सपना आता है मुझे बुरा वाला कि किसी लड़की के साथ, तो उस दिन मैं पूरा दिन इससे झगड़ा करती रहती हूँ। और ये वो लोग समझ सकते हैं जो ऑलरेडी सिंगल नहीं है, जो रिलेशनशिप में ना वही बात ये समझेंगे जो जब उनकी गर्लफ्रेंड उन पे हावी हो जाती है। और ये भी साथ में, ये भी ओके, जब तेरे को सपना आता है तब मैं भी तो भी गुस्सा करता है। और किसी ने मुझे कहा कि शक करती है, जेल में शक करती है, अरे शक तो शक का ही प्यार होता है, शक करती है तभी मैं संभला हूँ भाई। मैंने तो आपको पहले जो था मेरे बहुत अफेयर, इसने हमने आपसे झूठ तो बोला नहीं, पहले से मेरे बहुत अफेयर रहे थे, एक ही तगड़ा रहा था। तो मैं क्या, शक करना भी एक प्यार होता है यार, वो ऐसा नहीं है शक करना, ऐसा नहीं कि मेरे फोन, अरे नहीं उनका मैंने मतलब है कि मैं टॉक्सिक हूँ कि शक किया, कुछ भी बोल। तो यार शक शुक तो रहता है हर कोई, मैं भी करता हूँ, पर इतना ऐसा नहीं है कि मेरे पे मुझे रोड पे खड़ी होके मैंने लग गई बोलने लग गई, ऐसा कुछ नहीं है, होता है हर, प्लीज आप लोग भी करती होंगी अपने बॉयफ्रेंडों पे, अपने हस्बैंड पे, ठीक है, तो हस्बैंड भी करते हैं, ठीक है, और बॉयफ्रेंड भी करता है, नॉर्मल सी सी बात है। तो इस बात को छोड़ दो, जो भी है बस ठीक है, मैंने बहुत हिम्मत करी उस दिन, इसको बुरी तरह से हर्ट कर दिया था, फिर भी मैं डरा था कि यार कहीं दिल पे सच्ची में ना ले ले, और ले भी लिया था रोने भी लग गई, तब मैं हार गया, मैं चल छोड़ो, नहीं तो मैं बहुत लंबा चलाने वाला था, फिर आपको दो दिन आता कि कट आगा करता आधा फिर डालता, जल्दी हिम्मत आ गई, रो पड़ी, तो फिर मैंने कहा चल छोड़े बहुत हो गया और कुछ नहीं, चल अभी और बोल। बस मैं ये कहना चाहती हूँ सीधी सी बात, नो बकवास, प्यार में से मैं बहुत करती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती इसको किसी के साथ भी, चाहे आप इसको शक बोलो कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, व्हाट मैटर्स टू मी इज लव, दैट्स इट, सेम टू डिट्टो 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 डिट्टो। चलो ठीक है गाइस, हम अच्छे से मिलेंगे फिर आपको, ठीक है, फ्री होके फिर अच्छे से ब्लॉग देंगे आपको, और इंस्टाग्राम पे रील्स तो हम उस दिन थोड़ा सा लगा कि चलो रील्स बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइम मिला। रील्स की बात करनी थी कि कुछ दिन पहले ही हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि हम रील्स बनाना था, आई थिंक संडे था, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग पूरा दिन फटाफट खाना वाना बनाया, पैक वैक किया, सब फ्रिज में स्टोर कर दिया। उस दिन सलमान ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी आप लोगों से, क्योंकि उसको काम था, तो हम लोग जल्दी निकल गए थे बीच पे। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे बीच पे निकले, एक तो पहले इतनी लंबी ट्रैफिक जाम, आज तक उस वहां पे ट्रैफिक में कभी नहीं फंसे, पहली बार फंसे, और ऐसे फंसे 3 घंटे फंसे रहे, 3.5 घंटे जानू, 3.5 घंटे फंसे रहे, अंधेरा हो, मतलब वो वाला अंधेरा नहीं, उस टाइम तो 3 बज रहे थे दोपहर के, अंधेरा पूरा अंधेरा हो चुका था बिकॉज ऑफ बैड वेदर। और जैसे हम मतलब जैसे सिर्फ 500 मीटर्स रह गया था, बारिश होने लगी थी बुरी तरह से, ना हम वापस आ सकते थे क्योंकि वो ट्रैफिक जाम इतना बुरी तरह से था दोनों वेज पे, और एक ही लाइन था, कोई पार्टीशन नहीं था, कुछ नहीं था कि हम यू टर्न मारे, हमें बीच पे जाना ही पड़ा। फिर बीच पे गए, वहां पे इतना बारिश, फिर हम यू टर्न मार के वापस आए, तो पूरी दुनिया वापस आई। हाँ उस दिन तो पूरी दुनिया वापस आई, वो पानी भी भाई पूरा बीच भर गया था, ऐसा लगा समुंदर यहाँ ही आ गया था ना, ऐसा लगा था। फिर वापस आए, वो तभी भी ट्रैफिक था, तब बस पलट गई, फिर उसको उठाने में टाइम लग गया, फिर हम जैसे घर पहुंचे भी, हम लोग 11:30 बजे तक पहुंचे थे, तो हम घर पे भी रील नहीं बना पाए, तो बस यही था।
बैड एक्सपीरियंस. और दूसरे दिन भी बारिश था, दूसरे दिन मंडे था, तो हम वैसे भी नहीं बना पाए, वैसे भी नहीं रावड़ हो गई. फिर हमने घर पे बनाया 2-3 रील्स, वो भी इसने बोला चल चल चल, बस ये बोलना था आपके साथ शेयर करने. चलो ठीक है गाइस, चलो फिर अच्छे से मिलेंगे आपको. आज लास्ट डे है 30, आज कल 1 तारीख हो जाएगा, फिर 7, 5, 6 या 4 तारीख को अच्छे से ब्लॉग में मिलेंगे आपको, है ना. सबसे पहले भी मिल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, अच्छे से टेंशन फ्री हो जाएगी क्या. हाँ चलो फिर गाइस, गुड नाइट, लव यू और टेक केयर. अपना और अपने पार्टनर का अच्छे से ख्याल रखिए, जो आपको प्यार करता उसे प्यार ही दीजिए, जैसे हमें आप देते हो हमें भी आपको भी हम देते हैं. ओके, मिस यू लॉट, हम भी बहुत मिस करते हैं. ओके, लव यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग. और शकरपारा जरूर करो गाइस, शकरपारा कर दे रहो मेरे यार, लव यू. न्यू ईयर तक तो बढ़िया, बर्थडे तो आ रहा है लेकिन न्यू ईयर भी आ जाएगा. मैं तो यही है, यही सोच रहा हूँ कि न्यू ईयर, चलो नए साल में भी आप और भी जुड़े, हम और फैमिली बने, अच्छी बड़ी वाली फैमिली बने, तो मैं यही चाहता हूँ. ठीक है, बाकी आपकी अर्जी, मेरी तो यही अर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है गाइस. ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय.